उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2017, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या फिर से समाजवादी पार्टी आ पाएगी सत्ता में। अगर एक चीज़ पे गौर किया जाए जो अखिलेश यादव के बारे में कही भी जाती है, अखिलेश यादव अपने आप को उस कास्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रखते पर थोड़ा दूर जरूर रखते हैं, जो मुलायम सिंह यादव नहीं करते थे। वो अपने आप को मतलब एक MY फैक्टर जैसे हम सब जानते हैं वो तो रखते थे अपने पास। अखिलेश यादव कहीं पे भी जाते हैं, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कभी पत्रकारों से बात करते हैं, तो वो एक डेवलपमेंट एजेंडा के साथ बात करते हैं। अगर देखा भी जाए तो उनके जो 3 मेन पेट प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं उनसे, वो है लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। इन सब के बीच अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो पुरानी छवि थी वो उसको बदलना चाहते हैं, पर क्या बाकी उनके नेता उनके साथ दे रहे हैं? अगर आप देखेंगे आज़म खान या शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव या कोई भी हो, खुल के भले ही कुछ सामने ना कहे, बट ये कहा जाता है कि ये 4.5 मुख्यमंत्री की सरकार है। इसको तोड़ने का बहुत हद तक काम किया है अखिलेश ने। इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि क्या समाजवादी पार्टी कहने को समाजवादी है, पर अगर आप देखें वो लोकसभा चुनाव 2014 में परिवारवादी पार्टी बन गई। पार्टी के 5 सांसद हैं, पांचों के पांचों एक ही परिवार से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की हालत 2014 लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि एक भी सीट नहीं जीत पाए। पर अगर इसके उलट थोड़ा और गहराई में जाए तो हमें ये दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी 39 सीटों पर सेकेंड नंबर पर थी, आफ्टर BJP 39 सीटों पर सेकेंड नंबर पर थी। और एक जो मेन बात रही जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि जो दलित था वो हिंदू बन गया, बट क्या वो 2017 चुनाव में हिंदू बनेगा या वो दलित ही रहेगी? क्योंकि हिंदू अस्मिता और दलित अस्मिता ये दो बहुत ही अलग अलग मुद्दे हैं, और वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। मायावती अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर उनको वापस UP में सत्ता में आना है तो मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए होगा, जिसके लिए उनके जो नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत पुरजोर काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2012 में जब चुनाव हारी थी मायावती जी, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि हम ये चुनाव हारे हैं इसलिए क्योंकि हमें मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला। MIM जो कि हैदराबाद बेस्ड पार्टी थी, हैदराबाद में रहती थी, उसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग किया, वो आगे आई, कुछ विधायक भी जीते। बिहार में भी प्रयोग किया पर बिहार में कुछ जीत नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में खुद असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उस मुस्लिम वोट बैंक पे चोट करते हैं तो वो किनका वोट बैंक है? या तो वो कभी मतलब 2017 चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, बट वो BSP SP के बीच में बढ़ता रहा है। अगर ये जो अगर उनकी पार्टी उस वोट बैंक में थोड़ी सी भी सेंध लगाती है तो नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को होगा, और इस नुकसान का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को मिलेगा तो वो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके पास इस समय उत्तर प्रदेश में कोई एक चेहरा नहीं है। अगर आपको याद हो तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो किरण बेदी को एक पैराशूट लैंडिंग कराई थी, उन्होंने चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश BJP के पास इस समय कोई चेहरा नहीं है। अगर आप देखें तो खुद मेनका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी CM बने, वरुण गांधी CM बने, वरुण गांधी को खुद BJP के लोग नहीं चाहते। दूसरी बात पार्टी की बात आती है, जब संगठन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश BJP संगठन इतना प्रभावी नहीं है। भले ही वो लोकसभा चुनाव में उनके गठबंधन ने 73 सीटें जीत ली, बट विधानसभा चुनाव में बातें अलग होती है। खुद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो इस समय BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हटाने की बातें चल रही हैं, पार्टी नेतृत्व तो उनसे खुश नहीं है, पार्टी काडर उनसे खुश नहीं है। इन सब के बाद एक चीज़ और आती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक टाइम पे राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह की पार्टी उसका गढ़ हुआ करता था, आज भी उनके विधायक हैं वहाँ पर, जरूर मतलब कोई सांसद नहीं बचा, पर इसमें ये चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो जाट वोट बैंक RLD का हितैषी हुआ करता था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वो BJP के पास गया, पर अभी जो जाट आरक्षण हुआ और जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया वहाँ पे जाटों को हरियाणा में, वो उस पर जाटों के अंदर एक रोष है। इसमें ये चीज़ भी गौर करने लायक है कि संजीव बालियान जो कि केंद्र में मंत्री हैं और खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने खुद कहा कि हरियाणा उत्तर प्रदेश का माँ बेटी का साथ है। तो इसमें ये भी चीज़ देखने होगी कि क्या वो जाट जो अभी तक RLD के जो अभी तक BJP के साथ गए थे वो वापस RLD के पास आते हैं। एक पॉइंट और है, वो ये है कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस इस बार प्रशांत किशोर को साथ लेके आई है, प्रशांत किशोर को साथ तो ले आई है, बट समस्या ये है कि
क्या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स उस हिसाब से चलती है जैसी अलग अलग प्रदेशों की चलती है? यहाँ पे जो पूरा समीकरण होता है वो जातिगत समीकरण होता है, तो उसमें प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं ये देखने लायक बात होगी। और दूसरी बात ये भी मेन है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस वेंटिलेटर पर है उत्तर प्रदेश में, क्या प्रशांत किशोर उसको वेंटिलेटर से उठा पाते हैं? अगर इतना कर पाते हैं तो कांग्रेस के लिए सो एंड सो गुड। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें आती हैं, बिहार वो हार चुके हैं, जो बची है उनके पास वो बचा है उत्तर प्रदेश। अगर आप अभी देखें जो आधार बिल पे भी हुआ कि कभी मनी बिल पे कोई भी मतलब रिकमेंडेशन आज तक नहीं हुआ, पर वो हुआ और राज्यसभा में सरकार हारी, रिकमेंडेशन आए वो पता लगे कि वो फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन हटा दिए गए। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लीड ले, अगर वो लीड नहीं ले पाती तो राज्यसभा में उसकी हालत जैसी है वैसी रहेगी, और अगर राज्यसभा में जैसी हालत उसकी है वैसी रही तो शायद वो चीज़ वो सपने अपने पूरे ना कर पाए जो वो सपने दिखा के आई थी। तो इस हिसाब से बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा में अगर उनको अपनी सीटें बढ़ानी है तो उत्तर प्रदेश चुनाव उनको जीतना होगा।